क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बीओ ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। व्यूअर्स, वहाब रियाज का वर्ल्ड कप 2019 खेलने का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। पीसीबी की जानब से फिटनेस कैंप के लिए जारी कर दे तेज खिलाड़ियों की फहरिस्त में फास्ट बॉलर का नाम शामिल ही नहीं है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की सिलेक्शन के हवाले से 23 खिलाड़ियों का पोल तैयार कर लिया है। उन खिलाड़ियों को फिटनेस कैंप में शिरकत की हदायत की गई है। फिटनेस कैंप में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मुनक्कद किया जाएगा। फिटनेस कैंप में गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन गेंदबाज वहाब रियाज को भी तलब नहीं किया गया। वहाब रियाज के अलावा उमर अकमल को भी वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम में शामिल ना करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए टीम फाइनल करने की गरज से जिन 24 खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया है उनमें सरफराज अहमद, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, बाबर आजम, इमामुल हक, फखर जमान, हुसैन तलत, मोहम्मद रजवान, शान मसूद, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद आमर, मीर हमजा, शहन शाह अफरीदी, उस्मान शाहवारी, रुमान रईस, आसिफ अली, हारिस सुहेल, वकास मकसूद, जुनेद खान, यासर शाह, शदाब खान, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद आसफ और कामरान अकमल का नाम शामिल है। जबकि फिटनेस टेस्ट के लिए वहाब रियाज के अलावा उमर अकमल को भी नहीं बुलाया गया। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में उमर अकमल अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके और चौथे वनडे के बाद वो एक कंसर्ट में डांस करते पाए गए थे जिस पर उन्हें जुर्माना भी आयद किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।